नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएन न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। ये फटाफट अंदाज में एक नजर डालते हैं देश में कोरोना की स्थिति पर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले 58,05,565 के पार। 55,07,058 मरीजों को मिली राहत। अब तक 98,000 से ज्यादा लोगों की मौत। गुजरात की बात करेंगे। गुजरात में कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़कर 8,14,000 के पार पहुंच चुके हैं। 7,82,000 के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 9,000 के पार। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 7,83,783 के पार पहुंच चुके हैं। 7,62,000 के पास लोग ठीक होकर घर वापस आ चुके हैं। 8,000 के पार लोगों की मौत की खबर। दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 14,28,449 हो चुके हैं। 13,95,892 मरीजों को राहत की खबर मिली है। वहीं आपको बताते चले 24,497 लोगों ने जान गंवाई। राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़कर 9,44,000 के पार पहुंच चुके हैं। 9,11,000 के पास लोग ठीक हो चुके हैं। 8,599 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 16,96,000 के पार पहुंच चुके हैं। 16,52,000 के आसपास लोग ठीक होकर वायरस को मात देकर घर वापस आ चुके हैं। 21,000 पहुंच चुका है मौत का आंकड़ा। तमिलनाडु की बात करेंगे। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 21,95,000 के पार पहुंच चुके हैं। 19,306 लोगों को राहत मिल चुकी है। 26,000 के पास मौत का आंकड़ा। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़कर 17,38,000 के पार पहुंच चुके हैं। 15,93,000 लोगों को मिल चुकी है राहत। 11,296 लोगों ने गवाई जान। तेलंगाना की बात करेंगे। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 5,87,000 के पार पहुंच चुके हैं। 5,53,000 के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। 3,346 लोगों ने गवाई जान। चलिए रुक करेंगे पंजाब का। पंजाब में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 5,76,000 के पार 5,34,000 के पास लोग ठीक हो चुके हैं। 14,927 लोगों ने गवाई जान। बिहार की बात करेंगे। बिहार में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 7,11,000 के पार पहुंच चुके हैं। 6,95,000 के पार लोग ठीक हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा 5,319। अरुणाचल प्रदेश का रुख करेंगे। वायरस के मामले बढ़कर 28,786 के पार 24,835 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक मौत का आंकड़ा 122। ओडिशा की बात करेंगे। ओडिशा में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 7,98,000 के पार पहुंच चुके हैं। 7,24,402 लोग ठीक हो चुके हैं वायरस से। अब तक मौत की संख्या 2,965। केरल की बात करेंगे। केरल में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 26,01,083 के पार पहुंच चुके हैं। 24,16,297 लोगों को राहत की खबर है। 9,511 लोगों की जान चली गई। असम की बात करेंगे। असम में कोरोना के मामले बढ़कर 4,28,000 के पार पहुंच चुके हैं। 3,73,244 लोगों को राहत की खबर मिली है। अब तक 3,577 लोगों की जान गई। झारखंड की बात करेंगे। झारखंड में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 3,40,000 के पार पहुंच चुके हैं। 3,28,000 के पार लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक मौत की संख्या 5,034। चलिए मिजोरम का रुख करते हैं। मिजोरम में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 13,064 के पार पहुंच चुके हैं। 9,696 लोग ठीक हो चुके हैं। मौत की संख्या 47। हिमाचल प्रदेश में 1,93,000 के पार पहुंच चुका है कोरोना वायरस का आंकड़ा। 1,80,870 लोग ठीक होकर वायरस को मात देकर घर वापस आ चुके हैं। मौत की संख्या 3,244। उत्तराखंड में 3,32,969 पहुंच चुका है कोरोना वायरस के मामले। 3,01,128 लोग ठीक हो चुके हैं। मौत की संख्या 6,631। मेघालय का रुख करेंगे। मेघालय में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 37,733 के पार पहुंच चुके हैं। 30,980 लोगों को राहत की खबर है। 643 लोगों ने गवाई जान। छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 9,78,000 के पार पहुंच चुके हैं। 9,38,081 मरीजों को राहत की खबर है। मौत की संख्या 13,162। चलिए त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 53,869 के पार पहुंच चुके हैं। 46,933 लोगों को राहत की खबर। मौत की संख्या 536। गोवा की बात करते हैं। गोवा में 1,58,000 के पार पहुंच चुके कोरोना वायरस के मामले। 1,46,000 कुल मिली है राहत की खबर। अब तक मौत की संख्या बनी हुई है 2,727।
बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में 14,11,448 पहुंच चुका कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या। 13,42,391 लोगों को मिली है राहत की खबर। मौत की संख्या 16,034। चलिए फिलहाल के लिए कोरोना अपडेट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्य न्यूज़।